भाई एलविश यादव और रजत दलाल दोनों में क्या डिफरेंस? डिफरेंस कुछ नहीं है भाई, एक वो है जो सांप का जहर बेचता है और एक वो है जो सांप का नशा करके गाड़ी चलाता है। भाई पूरब झा का वीडियो देखे? हाँ भाई पूरब झा का तो वीडियो देखे रिसेंट वाला। हाँ। जिसमें वो कॉपी कर रहा है सब लोग को, भाई क्या खतरनाक एक्टिंग कर रहा है। मतलब हमको समझ में नहीं आता कि वो जिसका कॉपी करता है ना वो ऐसा लगने कैसे लगता है। वही तो भाई, क्या मेकअप आर्टिस्ट कर रहा है या क्या कर रहा पता नहीं यार, मतलब ऐसा एक्टिंग मतलब लग रहा उतर जा रहा है। मतलब देखो मेकअप से आदमी बदल सकता है ठीक है। हाँ। लेकिन इतना बदल जाएगा मालूम नहीं चलेगा भाई। मतलब बोलने का तरीका सेम, लुक तो चल लुक तो आ जाएगा मेकअप से, लुक मेकअप से आ जाएगा, लेकिन वो लुक के साथ में आपको ऐसा बोलना ही पड़ेगा, उसके तरीके से बात करना पड़ेगा, वो एटीट्यूड लाना वैसा लाना पड़ेगा। लाइक वो एमसी शर्मा का किया, डॉली चाय वाला किया, अरे भाई मतलब सेम टू सेम लग रहा था कि वही खड़ा है। उसके बाद हनुमान काय ने किया। हाँ। वही जमीनेट वो भाई थोड़ी देर के लेंगे भाई वही खड़ा है, लेकिन बोलेगा नहीं नहीं ये तो पूरब जाए। और असीम रियाज का भाई क्या कॉपी किया हो, मतलब भाई बंदा मतलब है टैलेंट है उसके अंदर, ये मानते हैं टैलेंट भरपूर है, बस उसको पुश करना था जो उसको हर्ष बेनीवाल पुश कर दिया, अभी वो सब पहाड़ चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। भाई अगर आपके पास टैलेंट है ना और आपको मिल गया फेम तो आप आगे निकल जाओगे। हाँ। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और आपको फेम मिल गया है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, लेकिन वो लोग के पास टैलेंट था नहीं तो हो गया फेल। भाई फेम को हैंडल करने में एक तरीका होता है, मुनावर को अचानक फेम मिला टैलेंट था सर्वाइव कर गया, ठीक है पूरब झा को फेम मिला टैलेंट था सर्वाइव कर गया, तो उसका टैलेंट है वो सर्वाइव करेगा, सिर्फ टैलेंट नहीं आना, जितने फेम मिल जाए वो नीचे आने ही आना है। जैसे रोनाल्डो एक पॉडकास्ट में नहीं बोला कि वो अपना मैप ला के दे देना कि वो कैसे कैसे रोनाल्डो बना है, किसी को भी तो कोई बन नहीं पाएगा। हाँ वो बोला है कि आई गिव यू द मैप। हाँ। लेकिन कोई रोनाल्डो नहीं बन पाएगा भाई, नहीं आसान है फॉलो करना। वही तो भाई। तुम किसी को बोल दो कि आपको ये फॉलो करना है, अगर आप इसको साल भर दो साल लगातार फॉलो कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। करना मुश्किल, कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। मतलब तुम देखो ना ट्रेडिंग में, देखो ट्रेडिंग में बोल दिया गया है कि भाई आपको रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करना है, एक रुपये का रिस्क लोगे तो आपका रिवार्ड चाहिए 4 रुपये का। हाँ। लेकिन कोई मेंटेन नहीं करता, नहीं करता। इसलिए सब ट्रेडिंग फेल होता है। वही हाल है हर जगह, वही हाल है। अगर आपको भाई मेहनत करना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा एक प्लान, अगर हाँ। प्लान फॉलो नहीं करोगे तो आप बह जाओगे। वो कर रहे हैं अभी पूरब झा, उसका भी टाइम चल रहा है तो लगातार वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो ट्रेन आ रहा है वीडियो बना रहा है, वो नहीं देख रहा किसका है क्या है। डॉली चाय वाले के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लोग बात कर रहा था वैसा वीडियो कोई नहीं बना रहा था, लेकिन वो खुद डॉली चाय वाला बन गया, उसका पूरा गेटअप में आ गया, भाई हम डॉली चाय वाला है पूरा गेटअप पूरा गेटअप में आ गया। इवन कैरी मिनटी उसको कोलैब में बुला रहा है। हाँ। समझ में कैरी मिनट कितना बड़ा है क्रिएटर है, उसको बुला लिया कोलैब में, तो समझ लिया भाई उसका टाइम अभी चल रहा है। और वो बोला है कि जब तक मेरा टाइम चल रहा है हम भाई लगे रहेंगे बोला है, गोल्डन पीरियड चल रहा है। हाँ भाई जो पूरब झा हनुमान काइंड का एक्टिंग किया हुआ है लाजवाब। हाँ। पूरा उतर गया उसका कैरेक्टर में, लग रहा है कि एज यूजुअल वही खड़ा है। लेकिन जो हनुमान काइंड रिप्लाई किया उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या है मतलब ये? देख हनुमान काइंड बोले कि आई एम नॉट अ इंडियन रैपर, आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया। इंडिया और लोग उसको कर रहे हैं क्रिटिसाइज। हाँ। क्योंकि लोग के पास दिमाग नहीं है। नहीं। जबकि बोला बहुत सही है, लोग उसको बोल रहे हैं तुम कैसे ऐसा बोल दे कि हम इंडियन नहीं है। भाई ऐसा नहीं बोला कि वो इंडियन नहीं है, उसका बोलना है आई एम नॉट अ इंडियन रैपर, वो इंडियन रैपर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम बोल रहे हैं कि वो एक इंडियन रैपर है, इसका मतलब वो हिंदी में गाना बना रहे हैं, इंडिया के लिए गाना बना रहे हैं, इंडिया के ऑडियंस के लिए गाना बना रहे हैं। लेकिन वो बोला है आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब है वो एक रैपर है जो ग्लोबली है, लेकिन वो है कहाँ से? इंडिया से है। तो उसका प्लान ये है कि भाई इंडिया में नहीं मचाना उसको, उसको मचाना है वर्ल्ड वाइड। जैसे डीजे स्नेक हो गया, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट हो गया, वो लोग अपने आप को नहीं बोलते कि मैं अमेरिकन रैपर, वो लोग नहीं बोलते हैं। इस तरह से ये बोला है कि आई एम नॉट इंडियन रैपर, आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया, तो क्या गलत बोला? हाँ भाई अब लोग का सोच छोटा है तो क्या, लोगों को समझ में नहीं आता उसके शब्द क्या कर सकता है। इतना लगा लोगों को समझ में आने लगा इंडिया में तो बातें क्या रहे फिर, तब तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं होगा। तो। भाई पूरब झा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, स्टार्टिंग कहाँ से किया था और अभी कहाँ पे, और हमारा ये छपरी एलविश यादव कुछ तो टैलेंट है नहीं, पता नहीं इसको पूरब झा से कुछ सीखना तो चाहिए यार। देख भाई एलविश के अंदर टैलेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये बात सबको पता है, वो सिर्फ फेमस होकर रखा हुआ है अपना टॉक्सिक फैन लोग के लिए। हाँ। बस वो बिग बॉस जीता कि उसके पास टॉक्सिक फैन लोग था, वो भी अनपढ़ है उसका फैन भी अनपढ़ है। हाँ। उन लोगों का बदला तो चल रहा है, उसको आता क्या यार, वो करता क्या है, एक ही काम है लेट के ब्लॉग बनाते रहता है। हाँ। और बेटिंग ऐप को प्रमोट करता है, ये ऐप ले लो, ये ऐप पैसा लगा लो, पैसा डबल कर लो, वही करता है। वो उसका ट्रेंड कब आया था, बिग बॉस टाइम पे आया था कि बिग बॉस में गया, उसके पास कब ट्रेंड आया, जब मुनावर के साथ मैच खेला, मतलब सेकंड फेम जिसको मिला भी तो मुनावर के साथ ही मिला, तभी उसका लफड़ा होता है मैक्शन से। हाँ। कि भाई तुम मुनावर से कैसे बात कर लिया, बाय द वे फिर से आने वाला है मुनावर साथ में, वो कुछ होने वाला, कुछ खुला है उसका, तो ये होता है दोगलापन कि तुम पहले बोला कि मुनावर से बात नहीं करेंगे, अभी तुम फिर आ गए मुनावर के साथ में,
तो कुछ टैलेंट है नहीं, फेमस होकर रखा हुआ दोगलापन की वजह से। तो भाई हमको समझ में आता है उसको कैसे लोग फॉलो करता है। उसका फैन तो इतना अनपढ़ है कि कटारिया को एलिमिनेट कर दिया बिना सोचे समझे, वहाँ एलिमिनेट का वोट था उसको वोट कर दिया। भाई वो लाइव आके या फिर अपना स्टोरी में डाला था वो, हाँ। कि भाई ये जो बटन दिख रहा है ये एलिमिनेट करने का है, इसमें कटारिया का नाम मत दबाओ। उसको ही पता है कि मेरा जनता कितना अनपढ़ है, तब जाकर अपने जनता को बता रहा है कि भाई ऐसा मत करना एलिमिनेट हो जाएगा, और जनता एलिमिनेट कर दिया। सबसे मजा आया था जब मुनावर गया था अंदर में, हाँ। और कटारिया को बोला था कि मुन्ना नहीं जीता चाहिए, क्योंकि जब मुनावर अंदर था ना तो कटारिया बोला था कि भाई मुन्ना जीतना नहीं चाहिए, अपना स्टोरी में लाइव आके बोला था। मुनावर अंदर गया वही बात का रेफरेंस दिया और बोला तुमको तो मैं लेके जाऊंगा, और उसको लेके निकल गया, बोला कि हम तो तुमको लेने ही आए। कटारिया भी किसका ना व्यूज ले रहा है, अलीश यादव ऊपर में, हाँ। सबको पता है कि वो अलीश यादव का चमचा है बोल के व्यूज मिल रहा है उसको, बस। उसको भी क्या आता है, कुछ नहीं आता है। अलवेश के नाम पे चल के बिग बॉस में, और मुनावर का नाम था उसके साथ में, हाँ। कि मुनावर को भाई ट्रोल करता है, मुनावर का गेंस है, तो ट्रोल तो हाइप मिली उसको, लेकिन हुआ क्या, उसको लगे मुनावर फर्क बन जाएंगे, जीत जाएंगे बिग बॉस, जीत पाया नहीं, जीत पाया कहाँ जीत पाएगा भाई। अच्छा ये भी है कि अलवेश यादव अभी कोई वीडियो ही नहीं बना रहा है, उसको वीडियो बनाना आएगा तब ना बनाएगा, उसको आता क्या है, उसको पलंग बैठ के ब्लॉग बनाना है। हेलो गाइस, हमको तुम ये बता दें कि वो इतना साल से यूट्यूब कर रहे हैं, उसको आज तक ये नहीं पता कि व्लॉग बनाने टाइम पे स्क्रीन पे नहीं दिखाया जाता है, कैमरा में दिखाया जाता है। इतना बड़ा गंवार है अलवेश यादव, इतना बड़ा गंवार है, आज भी व्लॉग बनाने टाइम स्क्रीन पे देखता है, कैमरा पे नहीं देखता है, पूरा भयंगा लगता है पूरा, क्या कहते टेढ़े मेढ़े। अरे भाई अलवेश यादव अगर तुम मेरा वीडियो देख रहा भाई तो भाई समझ जा, अगर तू व्लॉग बना रहा ना तो स्क्रीन पे मत देख, कैमरा पे देख, तब लगेगा तू बात कर रहा जनता से, ठीक है। इतना सीख ले, पता तुमको नहीं आता है सीख ले, ठीक है ला। भाई इतना साल हो गया तेरे को वीडियो बनाते हुए, अब ये भी हम ही बताएंगे क्या, देख सीखना तो सीख ले, ठीक है, और कुछ सीखना तो बता देंगे, ठीक है, हम लोग सिखाएंगे तुमको और तुम पकड़ लेना, ठीक है, पकड़ लेना। भाई बीच में इसका ध्रुव राठी से भी कंट्रोवर्सी हुआ था, हाँ, ये ध्रुव को रोज करने निकला था, हाँ। ठीक है, लेकिन ध्रुव अलवेश को पकड़ लिया भाई, वो मतलब इतना मिस इन्फॉर्मेशन था इसका वीडियो में कि भाई ध्रुव ऐसा एक्सप्लेन किया ना भाई, ऐसा एक्सप्लेन किया ना, मतलब भाई मतलब उसको शर्म से पानी होना चाहिए, पता है, हाँ। इतना एक्सप्लेन कर देना कि उसको भाई उसको चैनल हटा देना चाहिए कि भाई छोड़ दे वीडियो नहीं बनाएंगे, इतना बड़ा व्यसन है फिर बैठे हुए, मतलब ध्रुव उसका 15-20 पॉइंट था लगभग, उससे याद ही था उसको प्रूव कर दिया कि रॉन्ग है, पूरा पॉइंट को रॉन्ग प्रूव कर दिया। और भाई तुम ऐसा बेसलेस वीडियो बनाएगा, तुम लग रहा हो ध्रुव राठी से, भाई हम बता रहे ना यूट्यूब में सबसे बड़ा कोई रोस्टर है ना तो ध्रुव राठी है, ठीक है, हमको नहीं लगता है कि और उससे बड़ा कोई रोस्टर है, जैसा पॉइंट टू पॉइंट उसको रोस्ट किया ना भाई, तो अलवेश का मतलब हिम्मत ही नहीं है कि ध्रुव को जाके बोल दे, उसका रिप्लाई दे दे, ऐसा कहाँ रिप्लाई दे पाया भाई, वो बैठ के मांगते रिप्लाई किधर है, दे दे भाई रिप्लाई, धरा दिया, उसके बाद तुम चुप हो गया, एक डाले जो पकड़ा उसका ना पकड़ लिया वाला, फाड़ के रख दिया मेरे भाई। अलवेश यादव और रजत दलाल दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है भाई, एक वो है जो सांप का जहर बेचता है और एक वो है जो सांप का नशा करके गाड़ी चलाता है।